रोशनी और वेलकम टू दशो पूजा। विंटर का सीजन आते ही हम सबको एक मेजर स्किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, वो है डैंड्रफ। वो इसलिए क्योंकि विंटर के सीजन में हम सबके स्किन ड्राई हो जाते हैं, और जैसे हमारा स्किन ड्राई होता है ठीक वैसे ही स्कैल्प भी ड्राई होता है। इसलिए विंटर सीजन में डैंड्रफ तो हर किसी का प्रॉब्लम बन जाता है। तो मेरा एक सॉल्यूशन है इस डैंड्रफ से छुटकारा पाने का, और वो क्या है तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल दशो पूजा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे बहुत सारे ब्यूटी हैक्स लेकर मेरी चैनल दशो पूजा पे आ रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टू दशो पूजा। तो डैंड्रफ से छुटकारा पाने का जो मेजर दो इंग्रेडिएंट है मेरा, वो है नींबू और ये है ग्लिसरीन, जो हर किसी के घर में अभी अभी आपको मिल ही जाएगा। तो आज के आज ही ट्राई कीजिए ये ट्रिक और हटाइए डैंड्रफ को अपनी जिंदगी से। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबलस्पून नींबू का रस। और इक्वल क्वांटिटी यानी 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन, ये तो आपको आसानी से कोई भी नियर का मार्केट में मिल जाएगा। यस, 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। अच्छे से मिला लेना है। मैं ग्लिसरीन इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसका जो एक मेन प्रॉपर्टी होता है वो है स्किन में जो मॉइस्चर होता है उसको ये लॉक कर देता है, और इसलिए डैंड्रफ को हटाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और नींबू का रस तो डैंड्रफ हटाने में बहुत कम करता ही है, तो ये दोनों मिला के एक ऑसम सॉल्यूशन देता है। और रेडी हो गया मेरा ये सॉल्यूशन, अब इसको स्कैल्प में लगाना है। और जिसके भी स्कैल्प में इचिंग का प्रॉब्लम होता है, हर वक्त ऐसे इची होता है स्कैल्प में, तो वो जरूर आजमाए ये ट्रिक। अब पूरा स्कैल्प में मैंने लगा लिया है और वेट करना है 30 मिनट के लिए। देखिए 30 मिनट तो हो गया और मैं चला शैम्पू करने, और आप भी ऐसे ही 30 मिनट स्कैल्प में ये सॉल्यूशन रखने के बाद कोई भी रेगुलर शैम्पू से वॉश कर लीजिए। तो अब मैं शैम्पू करके आ गई हूँ और रिजल्ट तो एक्चुअली ऑसम होगा, क्योंकि ये हैक मैंने बहुत सारे टाइम यूज कर लिया है। और ये एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक है और मैं बहुत बार यूज कर चुकी हूँ। आप भी आज ही ट्राई कीजिए, क्योंकि कुछ है तो नहीं, ग्लिसरीन विंटर के सीजन में हर किसी के घर में रहता ही है और चाहिए एक नींबू। तो आज के आज ही आप ये सॉल्यूशन ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। तो स्टे ट्यून्ड टू दशो पूजा और सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।